गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर अगेन बैक विद द सेम चैप्टर. चैप्टर वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेस. चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर टर्न ओवर पेज नंबर 128. वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे पेज नंबर 127 टिल फ्यू डेज. एम्परर वॉज सेइंग एक्सीलेंट, इट विल बी गुड ट्रिक टू नो हु इन माई किंगडम इज स्टूपिड एंड इनएफिशिएंट. टेक दिस पाउच एंड A pouch of gold coins and start without any delay. Wazir, it is your duty to go and check on them after every few days. Wazir ko emperor bhejte hain ki jaiye dekhiye inko har ek ya do din pe kuch dino pe inko check karte rahiye. Jo ki weaver mere paas aaye hain ye mere liye kapde banayenge, theek hai, kyunki raja ko kuch nahi pasand tha siway अच्छे ड्रेस के, तो वो भी वर्ल्ड में केवल उन्हीं के पास होनी चाहिए. जैसे पूरे वर्ल्ड में ताजमहल हम ही लोग के पास है आगरा में, तो वैसे ही उसके पास ही एक ऐसा होना चाहिए ड्रेस जो कि किसी के पास ना हो. द वीवर्स रूम. अब ये सीन टू चालू हो गया. सीन टू में क्या है? वीवर्स रूम है. वीवर्स रूम जहाँ पे वो लोग अपने कपड़े बना रहे हैं राजा के. क्रिकेट सिंग इन द बैकग्राउंड. The weavers are pretending to work on an empty loom. The wazir in charge means the weavers room. Weaver का room है. Crickets sing in the background. Crickets means एक मक्खी होती है cricket की तरह. आप उसको देखिएगा search करके, cricket होता है उसका नाम. Background में आवाज़ कर रही है. The weaver are pretending to work. Weaver वजीर के आने की खबर सुन के ही अपने काम में लग गए हैं. On a empty loom, खाली loom पे. उसको मतलब कोई भी धागा नहीं है. Loom मतलब कपड़े बनाने का मशीन, कपड़े बनाने वाली मशीन. तो उस पर कोई धागा नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हम लोग काम कर रहे हैं. द वजीर इंटर्स. वजीर आ जाता है. वजीर अपने मन में कहता है टू हिमसेल्फ, गुड लॉर्ड, हे भगवान, आई कांट सी एनीथिंग ऑन द लूम. मुझे तो लूम में कुछ भी नहीं दिख रहा है. डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड. इसका मतलब मैं स्टूपिड हूँ? आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब. क्या मैं अपने जॉब के लिए अनफिट हूँ? मुझे जॉब पर से निकल जाना चाहिए. ग्रेट हेवेंस, हे भगवान, हे स्वर्ग, आई शुड नेवर लेट एनीवन नो अबाउट दिस. मुझे इस बारे में किसी को नहीं बताना होगा कि मुझे लूम पे, लूम कपड़े बनाने वाली मशीन पे धागा तो दिख ही नहीं रहा है, तब भी ये लोग बना रहे हैं. आई विल लूज माई जॉब. मैं अपने जॉब खो दूंगा. ऐसा कौन कह रहा है? वजीर बोल रहा है कि आई विल लॉस माई जॉब, मैं अपनी जॉब खो दूंगा. वीवर्स फिर कहते हैं हाउ डू यू फाइंड द क्लोथ डियर वजीर. वीवर्स ने कहा, जो ये सिलाई वाले हैं उन्होंने कहा हाउ डू यू फाइंड द क्लोथ. आप अपना क्लोथ कैसे खोजेंगे डियर वजीर. वजीर कहता है लुक्स एट द एम्प्टी लूम. वजीर एम्प्टी लूम की तरफ आश्चर्यचकित होके, सरप्राइज होके देखता है. देखिए सरप्राइज है ना, कह रहे मुझे तो धागा दिख ही नहीं रहा है, कैसे ये लोग कपड़ा बना रहे हैं. ओ इट इज मार्वलस, क्या बात है. व्हाट गॉर्जियस कलर्स, कितने गॉर्जियस कलर्स हैं. व्हाट इंट्रिकेट डिजाइंस, कितने खूबसूरत डिजाइंस हैं. इट इज फेस्ट फॉर द आइज, ये आँखों में तारे के समान, एकदम आँखों में लग रहा है, आँखें मेरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसा कलर है. मतलब वजीर ये जाहिर नहीं होने दे रहा कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है. वजीर ये बता रहा है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है. द एम्परर वुड लाइक टू सी इट हिमसेल्फ. एम्परर खुद ही इसको देखना पसंद करेंगे. He will wear it on the great day of celebrations. वो
सेलिब्रेशंस के ग्रेट डे पर, जो ग्रेट डे होगा सेलिब्रेशन का, जैसे मान लीजिए क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गई, तो उस समय तो होगा या नहीं होगा, तो उस समय जो सेलिब्रेशन होगा जैसा भी, जैसे मान लीजिए किसी को युद्ध में हरा के आगे महाराज, तो सेलिब्रेशन मनाएंगे, तो वैसा सेलिब्रेशन अगर होगा तो वो ये कपड़ा पहनेंगे। द एम्परर एंटर्स द वीवर्स रूम। अब एम्परर क्या करते हैं, वीवर्स के रूम में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। अलॉन्ग विद हिज मैन, अपने साथियों अपने आदमियों के साथ क्या करते हैं, आ जाते हैं। द वीवर्स अगेन प्रिंटेड टू वर्क ऑन द प्रिटेंड टू वर्क ऑन द एम्प्टीड लूम। तब भी वो लूम पे ही वर्क कर रहे हैं वीवर्स, जो कि बिना धागे वाला है, खाली है। टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 129। एम्परर भी अपने आप से कहते हैं, ओ गॉड, ओ गुड लॉर्ड, हे भगवान, आई कांट सी एनीथिंग, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ऑन द लूम, मुझे भी लूम पे कुछ नहीं दिख रहा। डज इट मीन आई एम स्टूपिड, इसका मतलब मैं स्टूपिड हूँ। आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब, क्या मैं भी अपने जॉब के लिए अनफिट हूँ। ग्रेट हेवंस, ये भी वही कहते हैं जो कि वजीर कहता है, आई शुड नेवर लेट एनी वन नो अबाउट दिस और एल्स माई एनिमीज विल टेक द थ्रोन्स अवे फ्रॉम मी। और ये अगर मेरे दुश्मनों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, मेरे सर से मेरा क्राउन उठा के उतार के ले जाएंगे, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या ये लोग वाकई जादूगर हैं। वीवर्स, हाउ डू यू फाइंड द क्लोथ योर मैजेस्टी, क्या आपको आपका क्लोथ दिख रहा है कि नहीं महाराज, आपको आपका क्लोथ दिख रहा है कि नहीं बनता हुआ। एम्परर लुक्स एट द एम्प्टी लूम, एम्परर भी एम्प्टी लूम की तरफ देखते हैं। ओ इट्स मार्वलस, इट्स फैंटास्टिक ड्रेस, व्हाट फैबुलस कलर्स, व्हाट एग्जॉटिक डिजाइंस, ऐसी डिजाइंस जो किसी को भी आकर्षित कर ले। इट इज़ अ फीस्ट फॉर द आईज, ये भी मेरे आँखों के लिए बहुत खूबसूरत लग रही है। आई एम वेरी प्लीज्ड, मुझे बहुत खुशी है ये देख करके। नाउ इट्स टाइम टू सीन थ्री, इट्स टाइम टू सीन थ्री, सो वी विल हियर, लेट्स स्टार्ट द सीन थ्री। बट टिल द एवरीवन, द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन अराइव, सेलिब्रेशन का ग्रेट डे जो था वो आ गया। जैसे मान लीजिए क्रिसमस आ गया, अब राजा को बनाया हुआ कपड़ा देंगे वीवर्स लोग, जो कि है ही नहीं। द एम्परर इंटर्स द वीवर्स रूम विद हिज मैन, फिर वो अपने आदमियों के साथ रूम में चले जाते हैं। द वीवर्स प्रिटेंड टू बी होल्डिंग अ ड्रेस इन देयर हैंड्स। वीवर्स क्या कहते हैं, अपने हाथ में बताते हैं कि मेरे हाथ में कपड़ा है, अपने हाथ में कपड़ा लिए हुए वो लोग खड़े हैं, बहाना बता रहे हैं। नो वन कैन सी द ड्रेस, कोई ड्रेस को नहीं देख सकता। बट एवरी वन प्रेजेस इट, लेकिन फिर भी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है। एवरी वन, ऑ इट्स अ मास्टरपीस, ये तो एकदम मास्टरपीस है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कितना खूबसूरत ड्रेस है। किसी को भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, फॉर द टाइम बीइंग रीड दिस चैप्टर अगेन एट योर होम एंड वी विल स्टार्ट अगेन विद द सीन थ्री। ओके, थैंक यू।